हेलो गाइस, मैं अभी धनिया का चटनी बना रही हूँ। तो धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आंवला और आधा टमाटर डालकर इसका चटनी बनाऊंगी। चटनी मेरा बन गया। अब मैं मखाना का लाड़ू बनाऊंगी। हम लोग लाड़ू बोलते हैं, इसलिए लाड़ू मैं भी बोल रही हूँ। पहले चटनी बना ली, इसमें कच्चा सरसों का तेल और नमक डाल दी और नींबू का रस डाली। चटनी मखाना का लाड़ू बनाऊंगी उसके साथ खाने के लिए, और इसके साथ चावल, चावल में भी खा सकते हैं, पकौड़ा में भी खा सकते हैं। तो पहले मैं मखाना का लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा सा घी में इसे अच्छे से भून लेती हूँ। मखाना को जलना नहीं है, बहुत अच्छा लगता है खाने में मखाना का लड्डू। तो मैं बना रही हूँ, इसे अच्छे से पहले भून ली, मतलब पूरा अच्छे से भून कर करारा सा हो जाए। थोड़ा सा ही घी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, 1.5 चम्मच के लगभग डाली हूँ, छोटा चम्मच से। अब इसे भून रही हूँ। ज़्यादा आँच में भूनने से तो ये जल जाएगा, पकेगा तो नहीं, मतलब कच्चा सा दिखेगा। तो मैं धीमा आँच में ही भून रही हूँ। पूरा करारा हो गया, बहुत छोटा छोटा हो गया है और बहुत बड़ा का बड़ा ही रह गया। इसे मैं भून ली। अब गुड़ थोड़ा सा, मैं पहले बनाई थी लड्डू तो बचा हुआ था गुड़, तो उसमें और थोड़ा सा गुड़ डालकर इसका पाक बना ली। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैं डालूंगी और डालकर इसको चला चला कर अलग कर लेना है, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो इसको अलग कर कर मैं कोई बर्तन में रख लूँगी और चटनी के साथ दूंगी खाने के लिए। चटनी के साथ मीठा और नमकीन अच्छा लगेगा खाने में। और मैं दोपहर का खाना में भी दूंगी इन्हें चटनी। तो लड्डू के साथ तो तैयार हो गया लड्डू और चटनी। तो खाएगी, पहले मानसी खाएगी, मानसी को दी हूँ खाने के लिए, अच्छा लगता है गुड़ का। अब मैं इन्हें खाना में दी हूँ दाल, चावल, साग बनाई थी पालक का, चोखा और पापड़, सलाद। अब मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊँगी। तो ब्रेड पकौड़ा के लिए मैं बेसन, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर इसमें डाली। बेसन में, बेसन का घोल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, अपना स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा कलौंजी डाली हूँ और थोड़ा सा हल्का कटा हुआ लहसुन भी इसमें डाल दी मैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर हल्का डाल दूँगी। डालकर अच्छे से इसे घोल को तैयार करना है। घोल को अच्छे से फेंट लेती हूँ, फेंट कर रख दूँगी। जितना बेसन घोल, मतलब थोड़ा सा जमा जमा सा हो जाता है ना, जमेगा नहीं, अच्छे से पानी में फेंट लूँगी। फेंट कर और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर अच्छा सा, मतलब गाढ़ा भी नहीं करना है, पतला भी नहीं करना है। तो मेरा बेसन का घोल तैयार हो गया, मैं इसे रख दूंगी एक साइड में। अब मैं आलू का चोखा बनाऊंगी, जो ब्रेड पकौड़ा में डालना होगा उसका, उसे बना रही हूँ। आलू को अच्छे से इससे, मतलब पूरा चिकना करना है आलू, मतलब थोड़ा भी कहीं कहीं पर रहता है ना वो, मतलब अच्छा से नहीं, मतलब सान सकते हैं इसे, तो अच्छे से इसे मिलाकर चिकना कर देती हूँ। प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाली इसमें और शिमला मिर्च भी डालूंगी, लहसुन, लहसुन थोड़ा सा डाल दूंगी और मसाला में गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, हल्दी इसमें डालना है। तो आलू अच्छे से मैश कर कर रखी थी, तो आलू मसाला डाली, आलू भी डाल दी, धनिया पत्ता बाद में डालूंगी। पूरा आलू चिकना हो गया, शिमला मिर्च बाद में डाली इसमें, थोड़ा सा गाजर भी डाली थी कद्दूकस कर कर, तो मेरा सब कुछ हो गया। अब एक एक ब्रेड, तो एक एक ब्रेड में मैं आलू का भरता जो चोखा बनाई थी सब लगा दी। लगा कर इसे अच्छे से दोनों, मतलब हाथों से दबा कर इसमें बेसन लपेट कर मैं बना, बेसन में डालकर अच्छे से इसमें डाली। तेल इसमें कम तेल में भी बन जाता है, ज़्यादा तेल खींचता नहीं है, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। एक एक कर कर बेसन अच्छे से चारों तरफ लगा कर इसमें दोनों साइड लगा कर पलटना है। तो तैयार कर कर मैं दी खाने के लिए, बच्चों को खा रहे हैं, इन्हें भी दूंगी। अब मैं हरा चटनी के साथ बना रही हूँ। पहले हरा चटनी लगाई धनिया का, फिर आलू का जो भरता तैयार कर कर रखी थी दोनों साइड में लगाऊंगी। लगा कर उस तरह ही बनाना है जैसे पहले बनाई थी। इसे अच्छे से बेसन के घोल में लपेट कर बनाना है। तो मेरा तैयार हो गया, मैं दी हूँ खाने के लिए बच्चों को और इन्हें भी दी। इन्हें भी अच्छा लगा, ये तो कम ही खाते हैं, एक दो पीस खाए।